श्रीमती और श्री मंत्री के अलावा बालको कंपनी सभा प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव, सिस्टम विभाग प्रमुख श्रीमती रीना श्रीवास्तव, बालको महिला मंडल की पदाधिकारी श्रीमती ममता मिश्रा, श्रीमती रीता बेहरा व श्रीमती रंजना लाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य अर्जित किया। रथ यात्रा के आगे चल रहे कर्मा नर्तकों के दल ने तालबद्ध नृत्य से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रथ यात्रा बालकोनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान में बनाए गए गुंडीचा मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की स्थापना कर उनकी आराधना की। आज के दिन भगवान और बलभद्र वहाँ से सुभद्रा का पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर वहाँ से होने के बाद पौंडी विजय जो बोलते हैं रथ में, हमारे भगवान के मंदिर से जो रथ में ले जाते हैं पौंडी बोलते हैं, पौंडी करते हुए उनको क्या रथ में बैठाते हैं। रथ में बैठाने के बाद वहाँ की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद जो बालकों के मुखिया रहते हैं उनके द्वारा छेरा पारा जो हमारे भगवान रथ के चारों तरफ झाड़ू लगाते हैं। तो इस बार हमारे ये क्या बोलते हैं दिनेश मंत्री साहब जी ने छेरापरा किए, और छेरापरा होने के बाद उसके बाद क्या होता है रथ को हम खींचते हैं, और रथ जो है नगर भ्रमण करते हुए सब भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान ला के 9 दिन तक यहाँ पहुँचाते हैं, ये रामलीला मैदान में पहुँचाते हैं, जहाँ 9 दिन तक भगवान यहाँ पर पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ होने के बाद उसके बाद बावड़ा मन रिटर्न जो होता है वापसी रथ होता है, बावड़ा के दिन होता है, 9 दिन बाद वापस ले जाते हैं मंदिर। बालको प्रबंधन द्वारा अपने टाउनशिप परिसर में खेलकूद संसाधनों का विकास किया जा रहा है, ताकि विभिन्न खेल विधाओं से जुड़ी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले और वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करें। खेलकूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रबंधन की ओर से टाउनशिप के सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में 2 नए बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए गए हैं, जिनका उद्घाटन बालको के प्रशासन महाप्रबंधक श्री KN बर्नवाल ने किया। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन अवसर पर टाउनशिप प्रमुख कर्नल रिटायर्ड श्री अनमोल सिंह गुमान, पार्षद श्री KL यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बालको अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। श्री KN बरनवाल ने बताया कि बालको प्रबंधन टाउनशिप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध है। टाउनशिप में खेलकूद सुविधाओं के विकास से खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन निखारने का माध्यम मिलेगा।
सबों के बीच में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, एंटरटेनमेंट के साधन के लिए सभी सेक्टरों में हम लोग बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, जिसके तहत यह है कि बच्चे खेलेंगे वहाँ आकर के और एक ही मनोरंजन का साधन होगा, साथ साथ खेल कूद को बढ़ावा मिलेगा। और अभी हमने दो बनाया है, सेक्टर 4 में एक का आज इनॉग्रेशन हुआ है, एक सेक्टर 3 में हुआ है। इसी तरह से और सेक्टरों में हम बनाएंगे, इवन जहाँ सेक्टर में ज़्यादा आबादी है वहाँ अलग से एक और बनाएंगे। इस तरह से लोगों में एक इंगेजमेंट होगा, लोगों बच्चों को इधर उधर भटकते हैं, खेलने का जगह मिलेगा साथ साथ। यहाँ तो एक पार्क भी बगल में है, वो पार्क में भी लोग जाएंगे साथ में बैडमिंटन भी। बालकों ने जो बैडमिंटन कोर्ट बना के ये नागरिक वासियों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं खेल के प्रति जो जागरूकता मैनेजमेंट दिखाई है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है। आइए एक बार फिर नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। बालकों ने किया उत्कृष्ट आरसीसी रोड का निर्माण, कहा विधायक श्री अमरजीत भगत ने। कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए बाल सदन स्कूल के प्रयासों की प्रशंसा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। बालको प्रबंधन ने टाउनशिप परिसर में बनाए दो बैडमिंटन कोर्ट। बालको समाचार बुलेटिन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।